गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी को स्ट्रोक्स की तो पहचान होगी होगी अच्छे से। आज मैं उससे आगे कराने जा रही हूँ ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स, कि स्ट्रोक्स को कैसे जोड़ना होता है। इसको सिंपल भाषा में ऐसे सीखेंगे जैसे हमने नर्सरी क्लास में गए, हम लोग हमने क ख ग सीखा, अ आ ई ई सीखा, व्यंजन सीखी और हमने स्वर सीखा। हम सबसे पहले सीखते हैं क, फिर ख। हम ऐसे एक एक करके व्यंजन सीखते हैं, फिर उनको हम जोड़ के लिखते हैं कमल। जब हमने कमल बनाना है तो क म ल को हमने जोड़ के लिख लिया तो वो बन गया हमारा कमल। इसी तरह से अब हम स्ट्रोक्स को जोड़ना सीखेंगे कि हम कैसे स्ट्रोक्स को जोड़ते हैं। स्ट्रोक्स हमारे बने हैं आड़ी टेढ़ी सीधी लाइन से। ये तो हमारा एक एक व्यंजन था, हमने तीनों को जोड़ दिया। अब हमारी है आड़ी टेढ़ी सीधी लाइन, उनको हम कैसे जोड़ेंगे, हम स्ट्रोक्स को कैसे जोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा, हर एक स्ट्रोक्स की, ये हमारा टी है, हर एक स्ट्रोक्स की जो है दो साइड्स होती हैं, एक बिफोर साइड एक आफ्टर साइड। बिफोर आफ्टर साइड कहाँ यूज होगी हमारी, बिफोर आफ्टर साइड वहां यूज होगी। मान लीजिए आपने क है, क को छोटी की मात्रा लगानी है आपने यहां लगा दी, क है क को बड़ी की मात्रा लगानी है आपने पीछे लगा दी, आगे पीछे लगा दी। तो स्ट्रोक्स के भी हम वोवल जो है मात्राएं, मात्राओं को वोवल कहते हैं, आगे या पीछे लगाई जाएंगी। ठीक है, हर एक कंसोनेंट की एक बिफोर साइड एक आफ्टर साइड, एक बिफोर साइड एक आफ्टर साइड, हर कंसोनेंट की एक बिफोर साइड होती है और एक आफ्टर साइड होती है, और हर एक कंसोनेंट के तीन प्लेस हैं। हर कंसोनेंट के तीन प्लेस होते हैं, जहां से कोई कंसोनेंट स्टार्ट होता है वो उसका फर्स्ट प्लेस, बीच का सेकेंड, लास्ट का थर्ड। ये ध्यान दीजिएगा, जहां से जो कॉन्सोनेंट स्टार्ट होता है वो उसका फर्स्ट प्लेस कहलाता है। मान लो ये एल है, अब एल ऊपर का, तुम समझो कि भी हाँ जी ऊपर का हमारा फर्स्ट है, ऊपर का फर्स्ट नहीं है, जहां से हमने स्टार्ट किया है वो उसका फर्स्ट प्लेस, आखिरी का थर्ड और बीच का हमारा सेकेंड प्लेस कहलाता है। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, एच है यहां से स्टार्ट हुआ है, ये इसका फर्स्ट प्लेस, ये इसका सेकेंड प्लेस, ये थर्ड प्लेस, ये इसकी बिफोर साइड एंड ये इसकी आफ्टर साइड, ये बिफोर साइड ये आफ्टर साइड। हर कॉन्सोनेंट के तीन प्लेस है। अब जोड़ना कहाँ से है, हर एक कॉन्सोनेंट को हमने थर्ड प्लेस से जोड़ना है दूसरे के साथ। कौन से प्लेस से जोड़ेंगे, थर्ड प्लेस से। जैसे हमने जोड़ना है पी और टी लाइन, जो कॉन्सोनेंट हमारा डाउनवर्ड है वो डाउनवर्ड ही बनाना है, जो कॉन्सोनेंट अपवर्ड है वो अपवर्ड ही बनाना है। P है हमारा टच द लाइन, लिखते हैं हम डाउनवर्ड स्ट्रेट कॉन्सोनेंट है, P को ऐसे बनाया, T को इसके नीचे। दूसरा कॉन्सोनेंट जोड़ते टाइम अगर नीचे जाता है लाइन के तो उसको नीचे जाने दो। P का ये फर्स्ट प्लेस था, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फर्स्ट, T का सेकेंड, थर्ड। तो जो ये प्लेस है ये हमारा P का थर्ड प्लेस हो गया और T का फर्स्ट प्लेस हो गया। हमेशा कॉन्सोनेंट को थर्ड प्लेस से ही जोड़ा जाएगा। मान लीजिए हमने F है, F के साथ R जोड़ना है, F बिना पेन पेंसिल उठाए R, ऐसा नहीं कि पहले F सोच लिख लिया फिर हम जी R के आउटलाइन भूल गए फिर हम सोचते रहे फिर हमने R के आउटलाइन ऐसे बनाई, ये नहीं, ये रॉन्ग वे है। आपने एक ही बार विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड पेंसिल आपने F F ऐसे बनाना है, फिर R ऐसे बनाना है। हमने लिखना है एम एन, पहले M की आउटलाइन बनाएंगे फिर M की आउटलाइन बनाएंगे, एक ही बार में लिखते चलेंगे जितने भी हमने कॉन्सोनेंट जोड़ने हैं। मान लीजिए हमने एक R, L, D, M जितने कॉन्सोनेंट जोड़ने हैं उसको हम लगातार जोड़ते जाएंगे विदाउट लिफ्टिंग पेन एंड पेंसिल। ये थे हमारे ज्वाइनिंग स्ट्रोक्स, कि हमने स्ट्रोक्स को कैसे जोड़ना है।